ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है। भिंड पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्री श्री 1008 कंप्यूटर बाबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आमजन को चौपाल लगाकर आगाह करने की बात कही। कंप्यूटर बाबा ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए विधायकों को लोकतंत्र का हत्यारा, संविधान के लुटेरे, देश के गद्दार नाम से संबोधित किया। कंप्यूटर बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम साधुओं संतों के माध्यम से गांव गांव, गली गली, मोहल्ले जाकर भारत के संविधान को बचाएंगे। इसके लिए हम गांव चौपाल कार्यक्रम करेंगे, जिसमें सभी जनमानस से अपील करेंगे कि इस लोकतंत्र हत्यारे सरकार को अपना वोट न दे, ऐसी भ्रष्टाचार करने वाले सरकार को न जिताए जिससे लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है। खास मुलाकात में प्राइम न्यूज 24 के लिए इमरान अली खान, प्रदेश ब्यूरो भिंड की रिपोर्ट। हम आपको लेकर आए हैं महाराज कंप्यूटर बाबा, जो कि कंप्यूटर बाबा एक विशेष चौपाल लगाकर अब जनता को विशेष संदेश देना चाहते हैं, जिस विषय पर आज हमारे बीच में खास मुलाकात में कंप्यूटर बाबा के बीच में आज हम कुछ चर्चा रखेंगे, जिस चर्चा में जन चर्चा में जन बातें भी होंगी। महाराज जी, जिस प्रकार से आप भ्रमण कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, 27 विधानसभाएँ हैं, उन 27 विधानसभाओं में अब उपचुनाव होना है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात आ रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तारीखों को बढ़ाती चली जा रही है, ऐसी स्थिति में मानते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है? हमें लग रहा है, पहले ये करें कि 27 में तो है, पर ये गद्दार 25 जगह जो हैं, 25 विधानसभा में हम लोग जाएंगे, दो में नहीं। जहाँ इन्होंने गद्दारी की, जहाँ लोकतंत्र की हत्या की है, चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिराई है, इनके यहाँ जाएंगे, चौपाल कार्यक्रम करेंगे, गांव-गांव जो वहीं बनाएंगे, सारे हजारों संख्या में साधु संत जाएंगे, भोजन बनाएंगे और इनका जो असली चेहरा है वो सबके सामने बेनकाब करेंगे, जनता को बताएंगे इन गद्दारों को वोट नहीं देना है, क्योंकि अब धर्म और अधर्म की लड़ाई है, इन्होंने अधर्म किया है तो इनके साथ नहीं रहना है, इनको वोट नहीं देना, जिंदगी भर इनको इनके पुरखा याद दिलाना है गद्दारों। एक तरफ कोरोना महाकाल चल रहा है और इस कोरोना महामारी में जहाँ तक कई सभाएँ भारतीय जनता पार्टी करके चली जा रही है, कई नियमों का उल्लंघन कर रही है, क्या मानते हैं कांग्रेस पार्टी भी उन सभाओं के अभी तक विषय पर किसी प्रकार से कोई भी टिप्पणी नहीं की है? देखिए, हमें कांग्रेस बीजेपी क्या कर रही है, हमें उससे कुछ लेन देना नहीं है, और कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही उससे भी हमें कोई लेन देना नहीं है, हमें तो लेना देना है 24 गद्दारों से, और एक महागद्दार है, पर अब 25 हो गए और 26 भी महागद्दार हैं, पर उनकी वोटिंग नहीं है, पर 25 के बारे में हमें, हम गद्दारों के बारे में बात करेंगे, इनको उखाड़ के बाहर फेंकेंगे, ये दोबारा कभी जनप्रतिनिधि ना बनाया जाए, इसलिए जनता के सामने साधु संत अपनी बात को रखें। आपने गद्दारों का नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दोनों दिग्गज नेता रहे हैं, उन नेताओं को जनता ने जनमत से उनको विधायक बनाया, फिर गद्दार किस बात से आप ये क्यों उन्होंने पूछा जिसने वोट दी, आपने तो उसको भी बेच दिया, जिसने आपको वोट दी वोट भी बेची, उसको भी बेचा, खुद भी बिके, और शिवराज भ्रष्ट शिवराज सरकार, इन्होंने उनको खरीदा। यदि जनता तुम्हें बीजेपी की सरकार बनाना ही थी तो जनता वोट देती तुम्हें, तुम तो कर्फ्यू के मुख्यमंत्री बन गए, तुमने कर्फ्यू में सबको मूर्ख बनाया और बेंगलोर में सौदा कर ली कमरे में बैठ करके, और फिर अरे भाई जनता को भी मूर्ख बनाया, बीजेपी ने भी बनाया और गद्दारों ने भी बनाया, तो मतलब गद्दार जनता के गद्दार हैं, जनता के गद्दार हैं, कांग्रेसी गद्दार नहीं, हमारे नजर में नहीं, लोकतंत्र की जो हत्या कर रहा, संविधान की रक्षा करने वाला, चाहे वो मीडिया बंधु हो, अफसर हो, जनता हो, जनार्दन, सबको संविधान की रक्षा करना पड़ेगा। आप सबको धन्यवाद।